हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ही मैंने जो है जो मेरा पिछला वीडियो था एयर फिल्टर चेंज कुछ टाइम पहले किया था, तो उसके बाद जब मैं यहाँ से निकला था मैंने सोचा एयर फिल्टर के बाद एक बार छोटा सा ग्राउंड लेके आए गाड़ी का। सो मैं जब यहाँ से निकला सो उस टाइम पे इंजन चेक लाइट नहीं जल रहा था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ का गेट देखे उसके बाद यहाँ से निकला तो उस टाइम पे जो है एयर बैग इधर एयर बैग का एक साइन आता है, एयर बैग का साइन और ये जो है इंजन चेक लाइट, ये दोनों जल जाएगा। जब मैंने नोटिस किया गाड़ी को साइड में रुक के इग्निशन ऑफ करके की निकल के फिर से लगाया तो जो एयर बैग वाला साइन था वो चला गया, लेकिन ये इंजन जो है इंजन बैल फंक्शन लाइट वो अभी भी जल रहा है। मतलब मैं ऑलमोस्ट गाड़ी को बंद करके जाने वाला हूँ, देखो जो है वाइपर ब्लेड भी निकल दिया। सो उस टाइम पे अभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देखा जो इश्यू जो है रीसेट, ये की को चार बार ऑफ ऑन करने के बाद होता है, तो मैं एक बार कोशिश यही करूँगा इश्यू रीसेट करके, अगर होगा तो होगा, नहीं तो सर्विस सेंटर मुझको लेके जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, देखता हूँ क्या होता है। इश्यू मैं रीसेट करता हूँ, 4 times आपको करना है इश्यू रीसेट, मतलब ऑन ऑफ ऐसे 1 2 3 4। अभी आपको बंद करके आई गेस होपफुली चला जाए। सो लेट्स सी, गया नहीं। सो गाइस अभी देखो जो है इंजन का जो चेक लाइट है वो चला गया। मैंने मतलब आके जो वीडियो मैंने करने का कोशिश किया इश्यू रीसेट, लेकिन वो इश्यू रीसेट हुआ नहीं मेरे से, तो मैंने तो सोच ही लिया था जे चलो सर्विस सेंटर जाएंगे, लेकिन क्या बोलूँ, चलो मुझको एक बात ख्याल आया जे लास्ट टाइम जब मैंने रिफ्यूल किया था उस टाइम पे जो फ्यूल जो नॉब है जो पंप वाला अच्छे से टाइट नहीं किया था, तो मैंने एक बार सोचा चलो एक बार वो टाइट करके देखते हैं, तो टाइट करके देखा, उसके बाद आके स्टार्ट किया तो इंजन चेक लाइट चला गया फाइनली। मतलब एक बड़ा टेंशन मतलब से निकल गया सीरियसली। दो देखो चला गया। सो या दैट्स स्मॉल इंफॉर्मेशन। तो इंजन चेक लाइट का कुछ ऐसे कुछ रीज़न है, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं क्या क्या कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ यूट्यूब इतना टाइम पे मैंने यूट्यूब करके देख लिया कि ऑक्सीजन सेंसर जो होता है अगर स्पार्क प्लग ठीक से इग्नाइट नहीं करता, कैथलिटिक कन्वर्टर, ऐसे करके 4-5 रीज़न है। और एक मैंने मैं ये जो है क्रेडिट मैं फुल नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा जो उन लोगों ने बोला जी वो फ्यूल नॉब अगर ठीक से नहीं बंद रहेगा तो अगर वहाँ का जो एयर सक्शन काम ठीक से नहीं करेगा तो उस टाइम पे ये चीज़ जल सकता है BS6 गाड़ी में स्पेशली। सो मेरा वही चीज़ एक बार ख्याल आया तो मैंने देखा फ्यूल नॉब ठीक से टाइट किया तो इंजन चेक लाइट चला गया। सो या ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन हाँ मैंने मेरे से इश्यू रीसेट नहीं हुआ, 3-4 बार करने का कोशिश किया नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इश्यू रीसेट होता तो फिर से क्या नहीं मतलब मालूम नहीं क्या होता क्या नहीं। 3-4 बार मैंने ऑफ ऑन किया लेकिन हुआ नहीं वो चीज़। सो जो चीज़ है फ्यूल नॉब का जो इशू था जो ठीक से टाइट नहीं किया था तो उसके लिए ये चीज़ जल रहा था, तो अभी देखो सब कुछ ठीक है एकदम ओके। तो या चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना।